प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और आज चौथे दिन भी हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए मिला। ज्यादा बात करेंगे किस बात को लेकर हंगामा यहां पर हुआ है। आशा कुमारी जो हैं कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं और विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या आज वजह रही, क्यों आखिरकार हंगामा जो है सदन के अंदर? देखिए, आज जो है कांग्रेस पार्टी ने मैंने ही जो है रूल 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन जिसको बोलते हैं, वो उसका नोटिस दिया था। और ये एम्प्लॉयज़ को लेकर के और उनकी मांगों को लेकर के, उसमें भी विशेष करके जो ओपीएस की उनकी मांग है उसको लेकर के हम सदन में चर्चा करना चाहते थे। स्पीकर साहब ने हमें अलाउ नहीं किया। स्पीकर साहब बारंबार हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था तब भी, उस दिन भी हमें नहीं बोलने दिया, आज भी हमें बोलने नहीं दिया। सैकड़ों हजारों एम्प्लॉय जो हैं आज शिमला की सड़कों पे हैं, शिमला की सड़कें बंद हैं। और ऐसे हालात में इतने बड़े तादाद में जहां हिमाचली किसी बात को उठाना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम, विधानसभा लगी हुई है, हम उस मुद्दे को विधानसभा के समक्ष रखें, सरकार अपना पक्ष रखे। मगर सरकार जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहती, सरकार चर्चा से भागती है और यही कारण है कि हम जो है हमने वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष का ये भी कहना, हमने उनसे भी सवाल किया, उनका भी यही कहना है कि बेवजह जो है अखबार की सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं आप लोग, यही वजह है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि कल का दिन थोड़ा चला है सदन, क्या कहेंगे आप? अगर उनको अपने कर्मचारियों के दर्द और दुख जो है वो बेवजह लगता है तो मुझे इनकी सोच के ऊपर तरस आती है। हजारों एम्प्लॉय जो हैं आपके, हिमाचली एम्प्लॉय आज सड़कों पे हैं, उनके दर्द की, उनके दुख की, उनकी मांगों की चर्चा करना अगर बेफजूल का है तो कांग्रेस ये बेफजूल का काम करती रहेगी जिस दिन तक जो है हम वापस सत्ता में आकर के ये सारी इनकी जो ग्रीवेंसीज हैं इनको दूर ना करते। आज आपने वॉकआउट किया है, उससे पहले वेल ऑफ द हाउस में आप गए, वहां पर भी हंगामा। वेल ऑफ द हाउस में हम गए, हमें उम्मीद थी कि शायद स्पीकर साहब हमारी बात मान लेंगे, सुन लेंगे और हमें मौका दे देंगे अपनी बात रखने का। मगर जब स्पीकर साहब ने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं निरस्ती कर दिया, हमारे मोशन को निरस्ती कर दिया, तो हमने वॉकआउट कर दिया। फिर ऐसे सदन में बैठ के क्या फ़ायदा, जहां हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के दुख दर्द को हम ना उठा सके तो हम कैसे जनप्रतिनिधि हैं? जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों की बात जो है वो सदन में उठाना, लोगों की आवाज़ उठाना। अब आप आवाज़ भी नहीं उठाने देंगे तो हम सदन में जाएं किस लिए? बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आशा कुमारी जो कि कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है विपक्ष की विधायक भी हैं। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं वो इनकी बात को अनसुना कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है कि अब विरोध के सुर तेज हैं और ऐसे में विपक्ष जमकर हंगामा जो है वो करता हुआ सदन के भीतर नजर आया। एक तरफ वेल ऑफ द हाउस में जाकर जो है वो नारेबाजी की गई, दूसरी तरफ अब बाहर आकर वॉकआउट जो है वो किया गया है सदन से। और सीधे तौर पर संदेश बिल्कुल साफ है कि राज्य सरकार को इनकी बात सुननी होगी, चर्चा जिस बात को लेकर कही जा रही है वो यहाँ पर जो है करना बेहद जरूरी है। इस बाबत नियम 67 के तहत जो है आज काम रोको प्रस्ताव जो है वो भी विपक्ष की तरफ से लाया गया है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। तो फिलहाल आशा कुमार